गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी चार्ल्स एंड कीथ का। सो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने चार्ल्स एंड कीथ के कलेक्शन के बारे में। आई एम हैविंग फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपनी। गाइस बेसिकली ये जो कंपनी है दे इट्स अ प्रीमियम ब्रांड विच एक्चुअली डील्स इन टू हैंड बैग्स, फुटवेयर एंड फीमेल एक्सेसरीज। सो टुडे आई विल शो यू फ्यू ऑफ माई कलेक्शन विच आई हैव बॉट फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। सो आई विल जस्ट स्टार्ट द वीडियो। So I'll show you my handbag from Charles & Keith. So you can see the packaging. ये मैंने store से purchase किया था, so इसलिए ये इन्होंने packaging मुझे इस तरीके की दी थी। So they have like packed my bag like this. So guys, the best part with the Charles & Keith is कि इनके जो bags हैं, as I told you, it's a premium कंपनी मींस काफ़ी अच्छे क्वालिटी के एज एन प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं इस कंपनी में। सो गाइज इन्होंने बैग के साथ में मुझे बैग के ही साइज़ का एक अलग से सिंगल बैग भी दिया है जिसके अंदर मैं अपने बैग को काफ़ी स्मूथली रख सकती हूँ। सो दैट इट विल प्रोटेक्ट माई हैंड बैग विद द डस्ट एंड एवरी अदर थिंग्स एज वेल। सो काफ़ी ईजी हो जाता है अपने बैग्स को कैरी करना एज दिस कंपनी प्रोडक्ट्स आर बिट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर वन बिकॉज ये प्रीमियम ब्रांड है। सो इट इज़ लाइक द रेंज गोज बिटवीन 5,000 टू 20,000 15,000 ऑल्सो। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑफ माई ब्यूटिफुल बैग। ये बहुत ही क्यूट शेप में बैग है एज यू कैन सी। दिस इज़ द फ्रंट व्यू। यू कैन हैव लुक फ्रॉम बैक वन। बैक में यहाँ कंपनी का नेम मेंशन है चार्ल्स एंड कीथ। द क्वालिटी द मटीरियल इज ऑफ आई थिंक इट्स अ लेदर मटीरियल, इट्स अ सिल्वर कलर एंड यू कैन सी द स्टिचिंग क्वालिटी, इट्स सो अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल गाइज। गाइज मीन्स आई अंडरस्टैंड दैट ये थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं बट डेफिनेटली इट विल गिव यू अ वेरी क्लासी as in style plus the material what they are using, it's amazing. So guys जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे chain form में है because it's a sling bag. So they have given this half chain and the half leather strap. So guys ये जो front में available है this chain, you can see ये chain के साथ में इन्होंने material को merge किया and you can see the beautiful Swarovski's available like put it on the design. सो दे आर लाइक दे आर इन मल्टीपल कलर जो बिल्कुल कंट्रास्ट में मैच हो रहा है बैक के मटीरियल के साथ में। यू कैन सी दी ब्यूटिफुल चेन जो बहुत प्यारा स्टाइल दे रही है एंड आई जस्ट शो यू दी ऑप्शन। ये पुश बटन ऑप्शन है इसके अंदर, यू कैन जस्ट पुश दी बटन और आपका बैग ओपन हो जाएगा एंड यू कैन सी देर इज़ वन कंपार्टमेंट प्लस टू कार्ड होल्डिंग स्पेस इज ऑल्सो देर। सो यू कैन पुट योर फ्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन पुट योर कार्ड्स हेयर। सो मेरे जो चार्ल्स एंड कीथ से कुछ कार्ड्स आए थे मैंने वो अभी भी इसी में रख रखे हैं। सो इट्स अ वेरी हैंडी बैग, यू कैन डेफिनेटली पुट लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस बैग। आप इसको अपने फॉर्मल टायर के साथ, वेस्टर्न के साथ, इन फैक्ट यू कैन लाइक मिक्स एंड मैच विद द ट्रेडिशनल एज वेल। सो आई लव माई दिस हैंड बैग, दिस इज़ सो अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल गाइज। वेन आई गॉट दिस बैग द प्राइज ऑफ दिस बैग वॉज 8,999 बट डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द वेबसाइट एंड स्टोर्स बिकॉज ये मैंने पहले खरीदा था। सो माइट बी इसके ऊपर यू कैन गेट 30-40% डिस्काउंट एज वेल बिकॉज यूजअली चार्ल्स एंड कीथ पे ई एम आई काफ़ी लिमिटेड ऑफर्स आते हैं। बट येस इफ़ यू जस्ट वॉन्ट एनी ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी एंड क्लासी बैग फ्रॉम दिस कंपनी आप सेल के टाइम पे भी ट्राई कर सकते हैं। देर इज़ नो अदर डिफरेंट, सिर्फ आपको स्टाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है बिकॉज जो लेटेस्ट कलेक्शन है वो इनका फ्रेश अराइवल में ही अवेलेबल होता है। सो दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। आई हैव यूज दिस बैग ऑलमोस्ट आई थिंक 2 or 3 times, नॉट मोर देन दैट, बट स्टिल मुझे इस बैग के साथ हमेशा बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। इन फैक्ट आई विल जस्ट शेयर वन थिंग फ्रॉम यू विद यू गाइज, आप अगर इसकी चेन का मटीरियल देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, सो इट्स लाइक कि आप यूजुअली नॉर्मल बैग्स में भी देख सकते हैं कि यही आपको पैटर्न मिल जाए, यही स्टाइल मिल जाए, बट स्टिल द क्वालिटी मैटर्स। इसकी जो क्वालिटी है इट विल डेफिनेटली मतलब आपको बहुत ही क्लासीज की क्वालिटी दिखेगी एंड आप कभी भी इसे पार्टीज में कैरी करेंगे। मींस पर्सनली मैंने जब भी इसे कैरी किया है मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो जब आप इसे कैरी करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट सो मेनी गुड कॉम्प्लीमेंट्स। सो दिस वन इज़ माई ब्यूटिफुल क्लासी सिल्वर बैग। आई जस्ट शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। माइट भी आपको अगर सेम पीस परचेज करना हो यू कैन ट्राई इट ऑन दी चार्ल्स एंड कीथ वेबसाइट एज वेल। सो गाइज द नेक्स्ट वन यू कैन सी एज आई टोल्ड यू कि आप इंडिविजुअल बैग आप परचेज करेंगे यू विल गेट द क्यूट बैग, अ डस्ट बैग जो आपके बैग्स को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखे। सो मेरा जो नेक्स्ट बैग है दैट इज़ लार्ज इन साइज। सो दे हैव गिवन मी द लार्ज डस्ट बैग बिकॉज लास्ट बैग जो मैंने आपको दिखाया था दैट वॉज स्मॉल इन साइज। सो गाइज आप अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लाइक द स्मॉल साइज, लार्ज साइज और मीडियम साइज, आप अपने उसके अकॉर्डिंग भी परचेज कर सकते हैं बिकॉज इन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दे आर हैविंग पर्टिकुलर स्टाइल
साइजेस. सो आई गॉट दिस लार्ज बैग. सो इसके साथ इन्होंने ये लार्ज डस्ट बैग भेजा है. जस्ट शो यू माई हैंड बैग. यू कैन सी दिस. दिस इज बेसिकली अ बकेट स्टाइल बैग जो मैंने जब परचेज किया था. ये मैंने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज किया था गाइज. सो यू कैन हैव लुक अप द फ्रंट वन. सो बहुत ही प्यारा. यहाँ आप देखेंगे ये काफ़ी प्यारा मटीरियल है. दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट मटीरियल गाइज. एंड यहाँ बहुत ही प्यारा लेदर स्ट्रैप है जिस बेल्ट के ऊपर उन्होंने अपना ब्रांड नेम लिख रखा है, दैट इज चार्ल्स एंड कीथ. काफ़ी कंट्रास्ट में ब्लू एंड ग्रे शेड मिक्स मैच किया हुआ है. अपर स्ट्रैप इज ऑल्सो लाइक दी ब्लू वन. एंड साइड में ब्लैक लेदर स्ट्रैप्स हैं जो कि बहुत ही क्लासी लग रहा है. आई पर्सनली लाइक दिस बैग गाइज, क्योंकि आप इसको किसी भी कलर के एज एन अपने वेयर के साथ में क्या कैरी कर सकते हैं. मीन्स कोई पर्टिकुलर नहीं है, बिकॉज ब्लैक एंड ब्लू शेड है विच विल गो विद योर एनी ऑफ द कलर ड्रेसेज और फॉर्मल वेयर. सो आई जस्ट लाइक द स्पेस विच दे आर हैविंग इन दिस बैग. बहुत ही अमेजिंग स्पेशियस बैग है. मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है. ये जैसे मैंने ऑर्डर किया था ये वैसे ही रखा है गाइज. बट यू कैन सी द स्पेस. स्पेस इज अमेजिंग. सिंगल कंपार्टमेंट है. यहाँ पे दो पाउचेस दिए हुए हैं जिसमें आई कैन कीप माई सेल फोन और समथिंग, दी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें. एंड देर हैविंग वन जिप पाउच है सो आई कैन पुट माई एनी छोटी एक्सेसरीज. बट द पाउच इज़ वेरी डीप. आप इजीली इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं. बट आई सजेस्ट यू कि आप अगर इस टाइप के बैग्स यूज़ कर रहे हैं सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना कम से कम इसमें सामान कैरी करें. मीन्स द पेन और द लाइक योर इयर रिंग समथिंग लाइक दैट, ताकि वो आपके बैग को डैमेज ना करे. जस्ट टू कीप योर बैग वेरी सेफ गाइज. सो इसमें ये स्ट्रैप है गाइज, ये एडजस्टेबल बेल्ट स्ट्रैप है. आप इसको बिल्कुल अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, आपको कितना लेंथ वाइज चाहिए ये बैग, आप उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. मैंने इसको लास्ट होल पर मार्क कर रखा है. यू कैन मार्क इट ऑन फोर्थ, सेकेंड और थर्ड ऑल्सो. सो पर्सनली आई जस्ट लाइक दिस बैग. द प्राइज आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट येस द MRP वॉज 9500 समथिंग. आई विल जस्ट मैंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. सो गाइज, चार्ल्स एंड कीथ के जो बैग्स हैं, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग इन लार्ज साइज, तो उनका प्राइस रेंज ऑफकोर्स 9000 प्लस ही जाता है. बट अगर आप उनके स्मॉल रेंज में, स्मॉल साइज में परचेज करना चाहते हैं, सो दे डू हैव 4000 5000 वाली रेंज में बैग्स ऑल्सो. प्लस अगर आप बहुत छोटे स्लिंग बैग्स देखना चाहते हैं तो उस आफ्टर डिस्काउंट आपको 4000 में मिल जाते हैं. सो पर्सनली आई लाइक दिस बैग बिकॉज इट विल लुक वेरी क्लासी विद माई वन ऑफ माई बिजनेस सूट, जिसके साथ मैं इसे डेफिनेटली मैच करूँगी. सो आई पर्सनली लाइक दिस बैग. सो आई जस्ट शेयर वन मोर बैग विद यू गाइस, जो मैंने चार्ल्स एंड कीथ से ही ऑर्डर किया था, विच इज़ माई फेवरेट लैपटॉप बैग. यू कैन सी ये ऐसे पैकेजिंग के साथ आता है अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी. प्लस मैं ऑनलाइन के बारे में भी आपके साथ एक रिव्यू अपना ज़रूर शेयर करूँगी. द साइज इज़ XL वन एंड द कलर इज़ ब्लू. सो गाइज, मेरा जो लैपटॉप था, जो अभी मेरे पास करंटली है, आई शो यू, मेरे पास अभी छोटा वाला मैकबुक है, बट अभी जो रिसेंट मेरा लैपटॉप था दैट वॉज एन एयर 13 इंच. तो मुझे एक बड़ा लैपटॉप बैग रिक्वायर था. As I told you, आप जो साइज़ का बैग मंगाएंगे यू विल गेट द डस्टी डस्ट बैग विद इट, तो आपको उसी साइज़ का बैग मिलेगा. सो आई गॉट दिस लैपटॉप बैग XL साइज. सो उन्होंने XL साइज़ का ही ये डस्ट बैग भी उसके साथ भेजा है, विच इज़ अमेजिंग, ताकि जब भी मैं उन बैग्स को यूज़ नहीं कर रही सो आई कैन एक्चुअली कीप माई बैग सेफ इन सेफ विद देम. सो दिस इज़ माई लैपटॉप बैग गाइज. ये बहुत ही क्लासी कलर है बिकॉज दिस ब्लू इज़ अमेजिंग. इनके पास ब्लैक कलर भी था, येलो कलर भी था, ग्रे शेड भी था एंड काफ़ी सारे इनफैक्ट रेड शेड भी था. बट आई जस्ट लव दिस कलर. यू कैन सी द साइज. साइज इज़ अमेजिंग. बिल्कुल परफेक्ट है मेरे न्यू लैपटॉप के लिए विच इज़ 13 इंच. सो गाइज, यू कैन हैव अ लुक. यहाँ पे बहुत प्यारे से एज एन यू कैन सी सिल्वर कलर के डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने. ये लेदर है इस साइड पर और ये मटीरियल है. आई थिंक ये वेलवेट मटीरियल है या समथिंग रिलेटेड टू दैट. बट काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा मटीरियल है. यहाँ कंपनी का नेम मैंशनड है एंड दे हैव गिवन अ वेरी ब्यूटिफुल डिज़ाइन विद वाइट थ्रेड. सो गाइज, इसमें इनके ये एज एन हैंडल्स हैं. मैं ईजीली अपने लैपटॉप को अगर कैरी करना चाहूँ मैं कैरी कर सकती हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हैंडल एडजस्टेबल है एज यू कैन सी. सो आप अगर चाहें तो इसे नीचे भी कर सकते हैं. इनफैक्ट यू वॉन्ट देम कि आप उसको सिर्फ हैंडल से ही कैरी करें तो यू कैन हैंडल देम लाइक दिस. सो गाइज, पीछे लेदर ऑप्शन है. आप इसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स हैं. एक टच बटन सिस्टम है जिसमें पीछे भी कंपार्टमेंट मेंशन है, सो यू कैन कीप योर चार्जर और फ्यू डॉक्यूमेंट्स हियर. प्लस अगर आप फ्रंट में देखेंगे सो यहाँ भी टच बटन है गाइस. सो यहाँ भी अगर आप कुछ पेपर या डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बैग इज गाइस कि इसके साथ में एक स्ट्रैप भी अवेलेबल है. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू कैरी माय लैपटॉप ऑन माय शोल्डर्स, तो मैं इजीली उसे भी कैरी कर सकती हूँ. सो इसमें स्ट्रैप भी आई है मेरे पास में. सो स्ट्रैप अभी पैक्ड है. एज आई टोल्ड यू, मैंने इसे अभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसको स्ट्रैप के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ.
एंड वन मोर सरप्राइज गाइज, इसके साथ मुझे एक पाउच भी मिला है. सो इन दिस पाउच आई कैन पुट माई चार्जर, माई मोबाइल चार्जर और एनी थिंग रिलेटेड टू माई दिस लैपटॉप. सो मैं इसमें रख सकती हूँ. यू कैन सी ये भी टच बटन के साथ है. सो काफ़ी स्पेशियस है. मैं इसमें कुछ भी अपना इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग या कुछ भी रख सकती हूँ गाइज. सो आई जस्ट लव दिस वन. आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, आई थिंक इसमें मेंशन हुआ गर, बट द प्राइस वॉज समथिंग, इट वॉज 10,000 अराउंड ओनली. ये भी मैंने 10,000 के अराउंड का ही हैंड बैग था. सो गाइज दिस वन इज अमेजिंग. अगर आप ऑब्वियसली बात है, इफ़ यू यूजिंग एप्पल लैपटॉप्स तो दैट गोज अराउंड 80,000-90,000 समथिंग. सो गाइज अगर आप लैपटॉप वैसे यूज़ कर रहे हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं, इनफैक्ट यू वॉन्ट टू यू आर गोइंग टू गुड मीटिंग्स और समथिंग, सो आप इस कंपनी के लैपटॉप बैग को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. इट विल गिव यू अ वेरी 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 गुड लुक. प्लस ये जो कलर है ये सबके साथ में मैच होगा. सो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी किसी भी ड्रेस फॉर्मल या फिर मैं अगर कुछ भी कैरी कर रही हूँ ड्रेसेस या अपना बिजनेस हूँ तो उसके साथ मैच डेफिनेटली होगा. सो आई जस्ट लव दिस माई क्यूट लैपटॉप बैग, यू कैन सी. So the next one which I got from Charles & Keith guys, last thing is my shoes. So I'll just show you the shoe packing. ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. आई जस्ट लव द ग्रे शेड, जो इनका ग्रे शेड है, जो इनके पैकेजिंग बहुत ही सिंपल एंड क्लासी पैकिंग के साथ आता है. बहुत सिंपल ब्रांड का नेम लिखा है एंड यू कैन सी माई शूज. सो गाइज आई गॉट दी शूज फ्रॉम Charles & Keith. सो यू कैन सी दिस साइज वॉज थोड़ा इशू था बिकॉज आई एक्चुअली मैं 38 साइज पहनती हूँ गाइज एंड दिस वन इज 39 बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद आ गए थे. सो आई जस्ट थॉट टू गिव अ ट्राई, बट जब मैंने 39 ऑर्डर किए सो मेरे को 39 बिल्कुल परफेक्ट आ रहे थे बिकॉज ये मैंने स्टोर से ऑर्डर नहीं किया, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं गाइज. सो आई जस्ट लव देम. यू कैन सी दे आर सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग एंड कम्फर्टेबल. मैंने सिर्फ इन्हें ट्राई किया है, अभी तक मैंने किसी के साथ भी इन्हें नहीं पहना है. सो दे आर जस्ट फ्रेश फॉर मी. सो यू कैन सी कि काफ़ी प्यारा ये मटीरियल है. मटीरियल के साथ में यहाँ पर लेदर मटीरियल यूज है. हील फॉर्म में ये है. सो काफ़ी प्यारा लुक आता है. प्लस ब्लैक शेड है, सो यू कैन मैच इट विद एनी ऑफ योर अटायर. आप इसको ड्रेसेस के साथ भी मैच कर सकते हैं, एनी ऑफ योर नॉर्मल ड्रेसेस, एंड इनफैक्ट आप इसे जेगिन या डेनिम के साथ भी मैच कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू कि मैंने एक अपर साइज ऑर्डर किया था बिकॉज ऑफ द स्टॉक शॉर्टेज, तो द साइज इज 39 Charles & Keith. आई पर्सनली लाइक द प्रोडक्ट. इसके काफ़ी प्यारी वेजेस, हील्स, काफ़ी डिफरेंट तरीके के फुटवेयर्स भी आते हैं. सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप बहुत ही क्लासी फुटवेयर्स अपने लिए प्लान कर रहे हैं विद द गुड कम्फर्ट जोन एंड इफ यू आर ओके विद द हैवी बजट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम. आई रियली डोंट नो द प्राइस ऑफ दी शूज, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है गाइस क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे. बट हाँ, दी MRP वॉज आई थिंक अराउंड 5,000 or 6,000 बिटवीन. आई जस्ट मैंशन दी लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उन्हें वहाँ चेक कर सकते हैं. एंड गाइज दी शूज आर सो अमेजिंग. मैं अपनी कमिंग वीडियोज़ में या फोटोग्राफ्स में डेफिनेटली इन्हें आपके साथ शेयर करूँगी दैट हाउ वॉज द लुक ऑफ दी शूज़. सो आई पर्सनली लाइक द शूज़. एंड गाइस जैसे अपने काफ़ी प्यारा पैकेट्स आते हैं तो मैंने अपनी अदर वीडियोज़ में मेंशन किया है कि जिस बॉक्स में आपको जो फुटवेयर्स मिलते हैं अगर आप उन्हें मेंटेन कर सकते हैं तो आप उसी में उन्हें मेंटेन करें, उससे उनकी क्वालिटी काफ़ी मेंटेन रहती है. सो गाइज एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग वीडियो कि मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी. सो गाइज अगर आप Charles & Keith का कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप उनके स्टोर से ही परचेज करें. यूजुअली मैं कंपनी के लिंक्स भी आपको प्रेफर करती हूँ कि आप वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं. बट वन ऑफ माई एक्सपीरियंस विद Charles & Keith वॉज बिकॉज एज इट्स अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, सिंगापुर में ही इनका मेन हब है, मेन स्टोर है. तो जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सिंगापुर से ही आ रहे हैं. दे डोंट हैव एनी ऑनलाइन वेबसाइट फॉर इंडिया पर्टिकुलरली. अगर आप जाके Charles & Keith की वेबसाइट पर लॉग इन भी करेंगे, they have mentioned it ki you can buy it from Indian website, but inka jo order hai ye Singapore se hi aata hai. So whatever kind of discount you are getting, because ab jab store pe jayenge so they will give you a 40 or 50% offer, but agar aap website pe check karenge to wahan 60% offer aapko mil raha hoga. सो इन दैट टर्म मैंने भी वेबसाइट से ऑर्डर किया था, बट वेन आई ऑर्डर्ड इट वहाँ कहीं पे भी डिटेल्ड में या बोल्ड में मेंशन नहीं था कि दे विल चार्ज दी डिलीवरी, बिकॉज वहाँ लिखा हुआ था कि आप मिनिमम ऑर्डर इतना कीजिए एंड दे विल गिव यू अ फ्री डिलीवरी चार्जेस. सो द डिलीवरी वॉज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री थी क्योंकि ये सिंगापुर से आया सारा स्टफ. बट दे चार्ज द कस्टम अमाउंट विच वॉज समवेयर अराउंड 2,700, और आई कैन से कि अगर आप कुछ और भी मंगाते तो दैट कैन गोज अप 3,000 एंड 4,000 रुपीज़.
सो इनिशियली द कुरियर पीपल आस्क्ड मी फॉर 5000 रुपीज एज द कस्टम अमाउंट, जो मुझे कंपनी की तरफ से बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो जब आप ऑनलाइन अगर ऑर्डर कर रहे हैं इन दैट टर्म कि आपको स्टोर से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि ऑनलाइन के टाइम पे आप उसका स्टैंडर्ड डिलीवरी एंड एक्सप्रेस डिलीवरी ज़रूर चेक करें, बिकॉज इन दैट स्टैंडर्ड डिलीवरी दे आर जस्ट गिविंग यू दी फ्री डिलीवरी, मीन्स उसमें उनका कस्टम का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है. बट इन द एक्सप्रेस वन दे आर एडिंग दैट कस्टम चार्जेस ऑल्सो. सो आई सजेस्ट टू कि सिंपल से शॉपिंग करो गाइज, इतना अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर अ क्लासी एंड गुड प्रोडक्ट, सो इससे बेटर यू जस्ट गो टू द स्टोर, ट्राई योर प्रोडक्ट एंड उसके बाद आप उसे परचेज कीजिए. सो इन दिस केस आई सजेस्ट यू टू गो विद द शॉपिंग लाइक द मॉल शॉपिंग. सो गाइज, दिस वॉज माई वीडियो विद चार्ल्स एंड कीथ प्रोडक्ट ओवरऑल. सो इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द प्रोडक्ट, यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज मेक श्योर जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट यू कैन सी मोर ऑफ माई वीडियोज लाइक दिस. थैंक यू सो मच गाइज.